इंसान को लगता है कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह भूल जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई है तो वो इंसान नहीं बल्कि नेचर है, और नेचर सबसे ज्यादा दयालु भी है। आप तो जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया में एक जैसा मौसम नहीं होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं पर गर्मी। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको दुनिया के उन सबसे ठंडी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ का तापमान -65 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। हालांकि भारत में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ तापमान कभी कभी शून्य से भी नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी होती है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन क्या आप दुनिया के ठंडे देशों के बारे में जानते हैं जिनके कुछ इलाके तो पूरे साल बर्फ की चादर से ढके रहते हैं? जी हाँ, दुनिया में ऐसी कुछ जगह है जहाँ का तापमान इतना नीचे चला जाता है कि इंसान का खून जमने लगता है। दुनिया में ऐसे ऐसे शहर भी हैं जहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि लोगों को पानी पीने के लिए भी बर्फ को पिघलाना पड़ता है। इनमें से बहुत सारे शहर आर्कटिक सर्कल से केवल कुछ किलोमीटर ही दूर है। यदि आप सर्दी में रहने के आदी नहीं हैं, तो इन स्थानों पर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकती है। मगर इंसान का स्वभाव और जिंदा रहने की उसकी इच्छा शक्ति इन स्थानों पर जीवन को आसान बना सकती है। वहां जीवन गुजार रहे लोग इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आइए इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ यह देश दुनिया के सबसे ठंडे देशों में से एक है। यहाँ गर्मियों के मौसम में भी तापमान शून्य होता है। क्षेत्रफल के मामले में ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और ब्रिटेन से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके 20 लाख वर्ग किलोमीटर में चट्टान और बर्फ है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या सिर्फ 56,000 है, जो इंग्लैंड के लगभग एक शहर के बराबर है। यहाँ की 88% जनसंख्या इन्यूट की है और बाकी डेनिश लोग रहते हैं। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहा गया है। अपने अधिकांश हिस्से में बर्फ की चादर ओढ़े हुए ग्रीनलैंड काफी खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी खूबसूरती के कारण पर्यटकों के लिए भी यह द्वीप आकर्षण का केंद्र बना रहता है। जहां एक तरफ भौगोलिक दृष्टि से यह द्वीप उत्तरी अमेरिका का भाग है, वहीं दूसरी ओर 18वीं सदी के बाद से यूरोप से सियासी संबंध जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं आइसलैंड की। आइसलैंड गणराज्य उत्तर पश्चिमी यूरोप में उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड, फोरो द्वीप समूह और नॉर्वे के मध्य में बसा एक द्वीपीय देश है। ग्रीनलैंड की तरह आइसलैंड भी दुनिया के सबसे ठंडे देशों में से एक है। यहाँ का तापमान आसानी से -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अगर हम यह कहें कि भगवान ने पूरी फुर्सत से आइसलैंड का निर्माण किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। आइसलैंड में आप जहाँ भी सिर घुमाकर देखेंगे और पिक्चर परफेक्ट प्राकृतिक दृश्य नजर आएगा। आमतौर पर आपने भूरे रंग के पहाड़ देखे होंगे, या फिर पेड़ पौधे से भरे हों तो पहाड़ों और पर्वतों का रंग हरा नजर आता है, और अगर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हो तो पहाड़ का रंग सफेद होगा। लेकिन क्या आप कभी पिंक, येलो, पर्पल या ब्लैक कलर के पहाड़ देखे हैं? अगर नहीं, तो चले आइए आइसलैंड के लैंड मेनेना लॉन्गर, जहां आपको दिखेंगे मल्टी कलर रियलिटी के पहाड़। यह एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहां नेचर लवर्स के साथ ही हाइकिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी आते हैं। आइसलैंड की बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो ग्लेशियर आइस, ग्रीनस्केप्स और ज्वालामुखी की राख से होते हुए बहती है। अगर आप आकाश में देखें तो ज्वालामुखी की राख से होकर बहती हुई नदियाँ आपको किसी बेहद खूबसूरत डिजिटल आर्ट या काल्पनिक पेंटिंग जैसी दिखेंगी। इसे देखने भी आइसलैंड से दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की
जहां चलते चलते जानवर बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कजाकिस्तान की। आर्कटिक सर्कल के अंदर स्थित यह देश रूस के ठीक नीचे स्थित है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ हमेशा ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटते रहते हैं। यहाँ की ठंड ने पूरे कजाकिस्तान को हिला कर रख देता है। यहाँ का आलम ऐसा होता है कि कभी कभी जानवर जमकर पत्थर हो जाते हैं। आप भी इन होश उड़ाने वाली तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जानलेवा ठंड सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया भर में कई और भी ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहाँ की ठंड जीवन पर भारी पड़ता है, लेकिन यहाँ लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के कुछ ऐसे इलाकों की जहाँ की ठंड अपने आप में एक अलग कहानी बताती है। रूस के साइबेरिया इलाके में ओइम याकान एक ऐसी जगह है जहाँ सालों भर ठंड पड़ती है। आर्कटिक सर्कल से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर 500 की आबादी वाला यह गांव आइमेक्यान धरती पर सबसे ठंडे जगहों में से एक है। जनवरी में यहां का औसतन तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहां ठंड इतनी भीषण होती है कि इंजनों को बंद होने से बचाने के लिए यहां के निवासी अपनी गाड़ियों को हीटेड गैरेज में पार्क करते हैं। चेहरे पर फ्रेम जम जाने के कारण यहां के लोग चश्मे तक नहीं पहनते। यहां खेती करना नामुमकिन है, इसलिए यहां के लोग रेनडियर या मछली खाते हैं, और यहां तक कि खुद को गर्म रखने के लिए मैक्रोनी के साथ घोड़े के खून से बने बर्फ के क्यूब का सेवन करते हैं। पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थान की बात होती है तो कनाडा का नाम भी आता है। कनाडा को दुनिया के सबसे ठंडे देशों में से एक माना जाता है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि समुद्र का पानी तक जम जाता है। सर्दियों के दौरान लगभग पूरे कनाडा में भारी बर्फबारी होती है और तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे तक गिर सकता है। यहाँ सर्दियों में इतनी ठंड बढ़ जाती है कि आम तौर पर लोग ठंड से बचने के लिए घर के अंदर ही रहते हैं। और अब बात करते हैं चीन के हरबिन की। अपने तीव्र शीतकालीन जलवायु के कारण हरबिन को आइस सिटी के नाम से जाना जाता है। यह चीन के हाइलोंग जियांग प्रांत की राजधानी है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। यह शहर दुनिया के सबसे बड़े बर्फ त्योहारों में से एक की मेजबानी करता है। इस त्योहार को हरबिन इंटरनेशनल शो और आइस फेस्टिवल भी कहा जाता है। आम तौर पर यहाँ सर्दियों में तापमान -22 से -24 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर -44 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी दर्ज किया गया है। ज्यादातर चीनी शहरों में हरबिन को सबसे ठंडे और सबसे लंबी सर्दियों के मौसम वाले शहर के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।